अरे तुम जल्दी आ गए। क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? जिल्लत भरा। मैं नहीं जाऊंगा दोबारा ऑफिस। सब कुछ तो माँ ने माहिर के नाम पे कर दिया। बाबा के ऑफिस में बैठा हुआ था वो। मैं जिल्लत करवाने दोबारा नहीं जा सकता। ये बेवकूफी मत करना, तुम हरगिज हार नहीं मानोगे। ऑफिस जाओगे और अपना हक वापस लोगे। पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ऑफिस जाओगे। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब हिम्मत करो, मेहरुन्निसा के दिल से निकलेगा तो ही ऑफिस से निकलेगा वो सांप। अब जाओ अपने कमरे में और जाके इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ अफान को समझाओ। चाय लेती जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, जजाकल्ला बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक ही तो नहीं लग रहे मुझे। किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? दिखाया है, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, उसने दवाइयां भी दी हैं और मैं ले भी रहा हूँ। आप बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम्स होने वाले हैं। जी अच्छी जा रही है। इज्जा को भी समझाया करें, पढ़ाई पर तवज्जो दें। हर वक्त मैगजीन रिसाले में अच्छी बात तो नहीं है। जी समझाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप बेटा, अपने अब्बू के लिए चाय लेकर आओ। जी लाती हूँ। आप कहाँ से आ रही हैं? अतियाबाजी की तरफ गई थी, उन्होंने मधिया के लिए लड़का बताया था। नदिया के लिए लड़का बताया, मतलब? मेरा मतलब ये है कि रिश्ता बताया था शादी के लिए। मदिया बीए के फाइनल ईयर में है, उसकी शादी करनी है कि नहीं करनी अभी से सोचूंगी तो साल डेढ़ साल में कई नौबत आएगी। क्या हो गया? अभी सुकून से पढ़ने दीजिए उसे। नहीं भाई, मैं तो बीए के फौरन बाद उसकी शादी कर दूंगी, सोच लिया है मैंने। इससे पहले के इससे पहले के कुछ नहीं। कहिए ना, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इससे पहले कि आप तीसरी शादी करें, मैं मदिया का घर बसाना चाहती हूँ। इस तरह की बातें करके आप मेरा और अपना दिमाग खराब करती रहती हैं। आप अपना किरदार दुरुस्त कर लें, मेरा दिमाग खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।